और उसमें हम लोग आवाज उठाएंगे, शायद इन तक वो विषय पहुंचता नहीं रहेगा। भले ही उसके आंकड़े जुटा पाए या ना जुटा पाए, आंकड़ों पे क्या है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, आंकड़ों पे क्या है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, कलेक्टर उसके इंचार्ज है। सरकार ने कहा किसी को भी लव जिहाद के केसेस मिले तो इस कमेटी के सामने आना चाहिए। मैंने असेंबली में इनसे दावा किया और इनके ही डिपार्टमेंट से मैंने पत्र लाके दिया। एक कमेटी है, पूरे इनकी सोच के लोगों के को मेंबर बनाया गया। एक साल हो चुका है, लक्ष्य इनकी सोच, मतलब जो सोच आजकल चल रही है, लव जिहाद वाली सोच, लव जिहाद वाली, ठीक है। एक भी केस ऑन है इसलिए ठीक है, सोच बीच बोलना ऐसा गलत बात है। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नीतीश जी, मैं अगर कोई गलत बात किया हूँ तो कभी मेरा मंशा वो नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनी, सरकार ने उसको एम्पावर किया, पूरे राज्य में उसकी पब्लिसिटी हुई कि आइए शिकायत कीजिए। क्या है मालूम है आपको, बताओ इनके घर पे ऐसा कुछ, इनके घर के महिलाओं के साथ ऐसा कुछ जिस दिन करेगा ना, ये इस दिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं देते बैठे। मैं हम खुद विक्टिम्स को मिलके आते, वो बिचारी लड़की, हमारी हिंदू बहन अपने खुद के माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ, आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना, आप बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं उतना ही कहना गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है, या फिर गलत को गलत सही को सही कहने की नहीं है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।